गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आज आपके सामने हम लेट्स कीप इन टच में हम लोग इस बात को पढ़ रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है। मास कम्युनिकेशन के हमारे पास दो ऑप्शन आए हमारे सामने देख रहे हैं कि पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दोनों पे बात करेंगे हम। जैसा मैंने आपको बताया कि मास कम्युनिकेशन का अर्थ ही होता है कि अपनी भावनाओं, अपने विचार को एक व्यक्ति द्वारा कहा गया हो और बड़ी संख्या में, बहुत बड़े क्राउड तक, बड़ी भीड़, बड़ी संख्या तक आसानी से पहुंचाया जा सके आसानी से। तो अगर हम प्रिंट मीडिया में चलते हैं, यह भी काफी लंबे समय तक चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से, यानी हम बात करें दशकों पहले, शतक पहले, तो यह प्रिंट मीडिया सबसे सक्सेसफुल माध्यम होता था, जिसमें अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन होते हैं, बुक्स होते हैं। इनके माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, इवन हमारे देश की आजादी से पहले भी, आजादी के पहले भी प्रिंट मीडिया बड़ा सहयोगी माध्यम होता था, जिसमें पैम्पलेट होते थे, पेपर होता था, मैगजीन होता था, बुक्स होते थे, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लोग उसमें प्रकट करते थे, लिखते थे और बड़ी आसानी से वे अन्य जितने भी देश क्रांतिकारी थे वहां तक पहुंच जाता था, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को पहुंचाया जा सकता था। तो अपने आप में बड़ा सहायक होता है कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आसानी से प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। पुराना माध्यम आ चुका है, बड़ा प्रभावशाली माध्यम बन रहा है, आज भी चलन में है, लेकिन अब उसका रूप थोड़ा परिवर्तित हो गया है। धीरे धीरे जैसे हम लोग डिजिटल होते चले जा रहे हैं, हमारे जमाने में जो है इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ा ज़्यादा उपयोग होने लगा है, आसपास चीज़ें थोड़ी मतलब समय के हिसाब से हम लोग थोड़ा, हम कह सकते हैं, डेवलप होने लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक और बात है, हमारे लिए सुविधाजनक भी होता है। पेपर में यदि कोई बात लिखी हुई है तो दो दिन बाद शायद पेपर आपको ना भी मिले, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप कभी भी इंटरनेट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, उस बात को वहां से सुन पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, आप वापस उसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसा मीडियम हो गया कि जिसको हम देख सकते थे, उस विचारों को, उस भावनाओं को देख सकते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे और आसानी से समझ सकते थे, इजीली। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी था, एडवर्टीजमेंट था, सिनेमा था, है, मतलब है, आज भी है, और न्यूज है। तो ये सारे जो मीडियम हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम थे, जिसके तरीके से एक समय में अपनी बात को करोड़ों लोगों तक पहुँचाया सकता है बहुत आसानी से। तो ये एक ऐसा मीडियम था जिसके माध्यम से देश और दुनिया में इसको सक्सेसफुल बना लिया गया, और ये सक्सेसफुल बना भी क्योंकि देश और दुनिया ने इसको बड़ी आसानी से एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस इस वजह से भी था क्योंकि ये सुविधाजनक था। हम जब किसी परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लिए वो कितना सुविधाजनक हो सकता है। इसी सुविधाजनक कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है, और ये वही प्रिंट मीडिया है जो अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर कन्वर्जन धीरे धीरे उसका हो रहा है। पेपर्स धीरे धीरे जब समय के साथ चलता चला गया, अभी आप सबको पता भी था कि पिछले 8-10 महीनों में लगभग देश ने एक बहुत भयानक पेंडेमिक को झेला है। तो उस दौर में जब पेपर नहीं आ पाते थे तो पेपर में यानी प्रिंट मीडिया ने अपने आप को कन्वर्ट करके पीडीएफ फाइल में, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आपके मोबाइल से पेपर आ जाता बड़ी आसानी से पीडीएफ फाइल में, हालांकि पहले भी होता था, लेकिन उसका चलन जो है इस समय में ज्यादा बढ़ने लगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए दोनों मीडियम बड़ा आसान और बढ़िया है, और दोनों मीडियम के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बहुत बड़ी संख्या में पहुंचा सकते हैं और अपनी भावनाओं को कह भी सकते हैं। ये तमाम वीडियोस आपके समझाने के लिए था, इस चैप्टर को यहीं तक है। आप आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियोज के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। आप सब सुरक्षित रहें, घर पर रहें, घर से बाहर निकलते हैं मास्क का प्रयोग जरूर करें, अपना पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद।